This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. कोनेरो चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गरीबों को रोज खाना खिलाने के लिए बने नित्य अन्नदान छत्र का उद्घाटन होने ही वाला है। इससे पहले इस भवन में रोज पूजा पाठ किए जा रहे हैं। एक भव्य तिरुपति वेंकटेश्वर की मूर्ति भी इसमें लगाई गई है। कल इस भवन में सिरपुर MLA कोनेरो कोनप्पा और उनकी धर्मपत्नी रामा देवी ने चंडी यागम किया। पूजा के बाद तेलुगु देशम पार्टी के नेता आनंद गुल्लापल्ली ने MLA और उनकी पत्नी का सम्मान भी किया। TDP नेता ने कहा कि गरीबों की सहायता के लिए MLA द्वारा किया जा रहा ये काम बड़े पुण्य का है, इसके लिए उन्हें बधाई देनी चाहिए। कल हमने प्रजा लाइफ केयर हॉस्पिटल में चल रहे फ्री आंखों के इलाज की खबर बताई थी। आज इसलिए इस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के लोकल टीवी को धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम पहले ही दिन काफी सफल रहा। 53 लोगों ने अपनी आंखों की टेस्टिंग करवाई, जिसमें से 20 लोगों को ऑपरेशन करने की सलाह दी गई। जिनको आंखों में कैटरेट यानी आंखों में छानी की समस्या है, उनका ऑपरेशन मुफ्त में हो जाएगा। आज कागज नगर के करंट ऑफिस में बिजली विभाग के अफसरों ने लंच टाइम के दौरान धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पावर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन कर रही है और जो नया कानून पास हुआ है, उससे पूरे देश में बिजली विभाग के अफसर दुखी है। नए कानून के हिसाब से अगर कोई अपने करंट डिस्ट्रीब्यूटर से खुश नहीं है, तो वो दूसरी कंपनियों से भी करंट के कनेक्शन ले सकते हैं। जिस तरह हम अच्छे ऑफर नहीं मिलने पर अपने सिम कार्ड की कंपनी बदल सकते हैं, उसी तरह बिजली के डिस्ट्रीब्यूटर भी बदल सकते हैं। अफसरों का कहना है कि इससे पहले ही घाटा झेल रही सरकारी बिजली ट्रांसमिशन कंपनी यानी तेलंगाना ट्रांसको जैसे कंपनियों को काफी नुकसान होगा और वो बंद हो जाएगी। राष्ट्र ప్రభుత్వం యాజమాన్యానికి వ్యతిరేకంగా కార్మిక సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పేసి ATC ఆధ్వర్యంలో 11 డివిజన్లలో సింగరేణి వ్యాప్తంగా నిరాదీక్షలు జరుగుతూ ఉన్నది। ఈ రోజు మందమరి ఏరియాలో 48 గంటల పాటు ATC మందమరి బ్రాంచ్ ఏరియా ఆధ్వర్యంలో మరి 100 మంది నిరాదీక్ష కూర్చోవడం జరిగింది। ఇయాల ప్రధాన అంశాలు ఏదైతే కొత్త బొగ్గు బ్లాక్లను తెరవాలని చెప్పేసి గత 6 సంవత్సరాల నుండి అడుగుతున్నప్పటికీ కూడా इतना बोक् ब्लाक बाधक विषय कार्मिक वलसल पैस्थिंद एर्पड़ता अदे विधा सोंट पथका अमल एन कग्दा केसीआर इच्छी दिन टीबीजी के तुंग केवल पैरवील पब्बल कोसमें वाल तपी मरी हामी पै स्पंद सोंट पधकम किगल कोटर् सिंगरेन मैं आटर् मैं कार्मिक निवास वारे కేటాయించి సంతింటి పథకం కింద ఇవ్వాలి। లేని కాడ 2 గుంటల ప్రభుత్వ భూమిని సింగరేణి యాజమాన్యమే కల్పించి దానికి లోన్ సౌకర్యం కల్పించాలని చెప్పేసి ATS గా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। ప్రధానంగా సింగరేణికి వచ్చిన లాభాల్లో వాటా ఈ రోజు 30% వాటా అడుగుతాం। आज సింగరేణి కోల్ మైన్స్ के कामगार धरने पर बैठ गए। ये घटना मंदामरी की है। मजदूरों ने AITUC के बैनर तले मैनेजमेंट के खिलाफ धरना किया। उन्होंने कहा कि कंपनी पैसों की हेरा फेरी कर रही है, कोई हिसाब किताब नहीं दिखाती, मजदूरों को कम पैसे मिलते हैं, कई लोगों को नौकरी मिलने में देरी हो रही है, कोल इंडिया ठीक से मजदूरों के लिए राहत राशि नहीं भेज रही, सिंगरेनी वाले भी कोल इंडिया से कुछ डिमांड नहीं कर रहे। ऐसे कई समस्याओं के खिलाफ उन्होंने धरना दिया। उनकी मांग है कि सिंगरेनी मैनेजमेंट जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करे। आपको सिंगरेनी का इतिहास बता दे कि ये कंपनी पहले निजामशाही के पास थी। इसका नाम तब द डेक्कन हैदराबाद कंपनी लिमिटेड था। अभी इसका नाम सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड है। तेलंगाना के गोदावरी नदी से लगे काफी हिस्सों में सिंगरेनी की कोयला खदान है। वैसे तो पूरे देश के हर कोयला खदान के 51% हिस्सेदारी
सेंट्रल गवर्नमेंट की कोल इंडिया के पास होते हैं और बाकी 49% हिस्सेदारी यानी शेयर स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। लेकिन निजामशाही ने इस खदान को देते समय उल्टा नियम लागू करने को कहा, इसलिए ये सिंगरेनी कोयला खदानों के 51% शेयर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कोल इंडिया के पास सिर्फ 41% शेयर्स हैं, बाकी के शेयर्स प्राइवेट कंपनियों के पास है। इन खदानों की सारी जिम्मेदारी तेलंगाना सरकार के पास है। हमारे ज़िले के गोलेटी से लेकर मंचेरियाल, गोदावरी खनी, मंथनी, काटारम, भूपालपल्ली, मनुगुरु, कुट्टागुडम तक इसकी खानें हैं। जल्द ही इसकी दो खदानें ओडिशा में भी खुलेंगी। 2016 में मंचेरियाल के पास जयपुर गांव में इस कंपनी ने एक थर्मल पावर प्लांट भी खोला था। इस कंपनी से जुड़ी एक रोचक जानकारी ये है कि इसमें वही लोगों को नौकरी मिलती है जिनके माता पिता भी सिंगरेनी की नौकरी करते थे। बाहरी लोगों को कोई नौकरी नहीं मिलती, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही बाहरी लोगों को लाते हैं। सुबह 3 बजे के आसपास पुलिस ने पेट्रोलिंग करते समय एनटीआर चौरस्ते के पास एक गाड़ी को पकड़ा। इस बोलेरो गाड़ी में 36 क्विंटल पीडीएस का राशन वाला चावल पकड़ाया गया। गाड़ी नैनेला गांव से महाराष्ट्र के तरफ सिरपुर वाले रास्ते से होते हुए जाने वाली थी। पुलिस ने कहा कि अवैध धंधा करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर है, जो भी ऐसे धंधे करते हैं वो सुधर जाए।